हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, काम बहुत था। तो अभी भी काम है लेकिन मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल लिया हूँ और सोचा अभी व्लॉग बना ही लेता हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। तो आज मुझे थोड़ा सा बाज़ार में जाना है क्योंकि बाज़ार में थोड़ा सा काम है। तो सोचा मैंने क्यों ना आपको भी थोड़ा सा बाज़ार घुमा कर लेकर आऊँ। तो मैंने साथ में छाता लिया हूँ, तो देखते हैं अभी आपको बाज़ार दिखाता हूँ कैसा है, जो अभी लॉकडाउन में खुला है थोड़ा बहुत। और चलो फिर चलते हैं। तो दोस्तों, मैं बाज़ार के नज़दीक आ चुका हूँ जहाँ पर मेन चौक है गांव का। तो यहाँ से अभी गाड़ियाँ सब चालू होगी, ट्रैफिक चालू होगा तो मुझे नहीं लगता कि इतना आवाज़ अच्छे से आएगा। तो फिर देखते हैं कैसा है बाज़ार। आज़ाद बेकरी दिख रही है, तो अगर आपको याद होगा उस मैं जिस अंकल के खेत में गया था तो वो उनकी शॉप है ये। और यहाँ से अभी बाज़ार लगना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रूट की दुकानें थोड़ी बहुत लगी है, और भी आगे है और देखते हैं। फिर अभी कोरोना की वजह से इतना बड़ा बाज़ार नहीं लगता, लेकिन अभी भी अच्छा खासा लगता है फिर भी। तो अभी इतना कुछ नहीं लग रहा क्योंकि पेशेंट अभी कम हो चुके हैं, तो लोग भी बाहर आने लगे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे फ्रूट की दुकानें लग रही है। तो अभी मंडे के दिन यहाँ पर बड़ा बाज़ार लगता है, लेकिन अभी उतना बड़ा बाज़ार नहीं लगता कोरोना की वजह से। तो अभी थोड़े से ही बाज़ार लगने लगा है और बारिश का मौसम रहने की वजह से तो अभी और भी कम हो चुके हैं। और यहाँ पर आप अंदर देख सकते हैं, ये तो ये भाजी वेजिटेबल मार्केट है। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बेकरी दिख रही है बेंगलोर, यहाँ पर आपको सभी जो भी बेकरी के आइटम्स है वो सभी फ्रेश मिलेंगे। तो एक अच्छी यहाँ पर दुकान है और शॉप है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी बैठे हैं अभी भाजी बेचते हुए। दोस्तों, मैंने बाज़ार में जो था काम मेरा वो मैंने कर लिया है और अब मैं घर पर जा रहा हूँ। तो व्लॉग में ज़्यादा बड़ा बनाने नहीं चाहता था, इसलिए छोटा सा ही बनाया। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, अगर बाज़ार आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं कोशिश करूँगा व्लॉग बनाने की। तो तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।